सो भाई लोगों देखो, यहाँ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने ओनली 2 हफ्ते में यहाँ पे 64,000 रुपये कमाए हैं, और अभी भी मैं पर डे का $17, $18 लगभग $20 तक पर डे कमा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे आप भी कर सकते हो स्टार्ट। और एक चीज़ और दिखा दूँ जो कि ये फॉलो हो रहा है ना यहाँ डिस्प्ले पे, सर्टिक ऑडिट। अगर सही बात बता रहा हूँ, अगर कोई पुराना बंदा इसको देखेगा ना जो सर्टिक ऑडिट का ये आ रहा है पॉपअप, तो कोई इस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसको कॉपी करके आपको ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है। 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले आपको लॉन्च पूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखोगे मेरी अर्निंग। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे अभी भी मेरे पास $877 हैं और यहाँ पे APY चल रही है यहाँ पे 738%। ठीक है, पर ईयर APY चल रही है। ठीक है, जिसमें अभी मैंने जो हार्वेस्ट किया था, मतलब कंपाउंडिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मैं और डे बाई डे मेरी अर्निंग इंक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 घंटे पहले किया था और मुझे हर घंटे यहाँ पे लगभग $1 मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 877 की लगभग वैल्यू, अभी मैं जाके चेक करूँ तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 877, तो यहाँ पे देख सकते हो 64,477 रुपये इनकी वैल्यू हो रही है। और मैंने कब बताया था, और इसमें मैंने ओनली $119 लगाए थे। अगर आप यकीन ना हो तो जो ये मेरी 3 वीडियो मैंने लगातार डाली थी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो, पहली ये वाली डाली थी, फिर ये वाली डाली थी, फिर ये वाली डाली थी, बट इसमें एयरड्रॉप भी चल रहा था उस समय। मैंने एयरड्रॉप को भी बहुत ही अच्छे टोकन यहाँ पे कलेक्ट करके और उनको विड्रॉल भी किया था। अब यहाँ पे मतलब एयरड्रॉप ख़त्म हो गया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी यहाँ पे, उस समय इसका ऑडिट कम्प्लीट नहीं था। ठीक है, और अब इसको जो सर्टिक कंपनी है, ऑडिटेड कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ऑडिट, जो कि किसी प्रोजेक्ट का अगर ऑडिट यहाँ पे हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट आप काफ़ी हद तक श्योर हो जाते हो कि प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है और आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये ऑडिटेड कंपनी है सर्टिक, और इन्होंने जो बी स्वैप वाले हों, इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जो बैट फ्यूरियो करके गेमिंग प्लेटफॉर्म है उससे अभी पार्टनरशिप की है। ठीक है, जो कि बी स्वैप टोकन वहाँ पे भी यूज हो रहा है। और बात करें इनकी अभी प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू लॉकड हो चुकी है लगभग इतने अमाउंट की। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है, ये करोड़ों में ये डॉलर हैं, ये आप देख लेना इतनी टोटल वैल्यू लॉकड हो चुकी है। लोग यहाँ पे स्टेकिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप फार्मिंग भी कर सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे है LP टोकन के थ्रू, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। और देखो अगर यहाँ पे आप करना चाहते हो, सीरियसली हो, मैंने यहाँ पे अभी मेरा $800 लगा हुआ है, मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें ओनली मैंने $119 लगाया था। और एक और हाँ, एक चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग से निकाल दूँ मैं, कि ये मत सोचना कि ये मेरा रेफर वाला है। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल फ्रेश अलग का अकाउंट है जिसमें कोई भी रेफर वाली अर्निंग नहीं है। ठीक है, ये ओनली मेरी कंपाउंडिंग की अर्निंग है, पर डे इसको कंपाउंड करता रहता हूँ। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी उसको कॉपी करके आप ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करना, यहाँ पे स्मार्ट चैन सिलेक्ट करना। और अगर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आप मतलब इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जैसे BNB BUSD कुछ भी होगा, डॉलर वगैरह, यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो एक्सचेंज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर इंटरेस्टेड हो तभी करना, आपको ऑडिटेड कंपनी जो सर्टिक होती है, जैसे मतलब आपको ये डर रहा है दिन में कि ये भाग ना जाए, तो आप पहले गूगल कर लेना जो कि ऑडिटेड कंपनी सर्टिक है वो क्या है, कैसे उसका रिजल्ट रहता है जो अगर किसी प्रोजेक्ट को ऑडिट कर दे तो। ठीक है, वेरीफाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाओगे, यहाँ पे आपका BNB रहेगा, जो भी आपका BNB होगा, है ना, और यहाँ पे आपको जो टोकन बाई करना है वो टोकन आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो पे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके, एक बार इस प्रकार से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें करना है BSW पे क्लिक करना, और यहाँ पे जिस भी चीज़ से आपको बाई करना है, जैसे अगर आपके पास BUSD है, BNB नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करना और जो भी टोकन आपके पास हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे डॉलर होगा तो डॉलर पे आप क्लिक कर लेना, जैसे आपके पास BUSD होगा तो यहाँ पे आप करना BUSD, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर USDT है तो यहाँ पे करना आप USDT, तो आपके पास USDT आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बाई हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास BNB है, तो मैं यहाँ पे जितने भी BNB का बाई करना चाहूँ उतना या तो आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना एंड यहाँ पे या तो आप मैक्सिमम पे क्लिक कर देना। बट देखो BNB आपको फीस के लिए ज़रूर चाहिएगा, ठीक है? तो BNB अपने पास रखिएगा, इस प्रकार से आएगा। मैंने मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया। स्वैप जैसे ही क्लिक करोगे दो बार आपको फीस छोटी छोटी देनी पड़ेगी, आपके पास टोकन आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च पूल पे। मैंने एक छोटी सी क्लिप भी टेलीग्राम पे बना दी है, बट ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब स्टेकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे ये नया नया है, APY मिल रही है और यहाँ पे जो भी हम स्वैपिंग करते हैं एक्सचेंज पे वहाँ पे फीस नहीं है। प्लस यहाँ पे सर्टिक ने यहाँ पे ऑडिट भी कंप्लीट कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप लॉन्च पूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। अब जो भी आपके पास टोकन्स रहेंगे ना, आपको क्या काम करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। सबसे पहले प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपके पास टोकन्स होंगे, जैसे मेरे पास ये हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैक्सिमम, ठीक है? जैसे मैंने मैक्सिमम किया, अब मैं यहाँ पे करूँगा कन्फर्म पे क्लिक। अब कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक किया, मैंने एक्सचेंज से पहले टोकन बाई किए, लॉन्च पूल में आ गया, यहाँ पे मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे फीस दूंगा लगभग 0.3 सेंट्स के अराउंड फीस लग रही है, यहाँ पे मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा, ठीक है? ये फीस मेरी BNB से लगेगी, तो BNB आपके पास होने चाहिए। अभी देखो मेरे 569 टोकन है, अब यहाँ पे 3 टोकन्स और ऐड हो जाएंगे मेरे यहाँ पे, जो कि अब देखो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है? अब इनसे मेरी और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली लगभग 45 मिनट पहले यहाँ पे अपना कंपाउंडिंग दोबारा किया था, जो यहाँ पे अमाउंट इकट्ठा हो गया था, और उसी के देख सकते हो मुझे यहाँ पे $1 लगभग 45-47 मिनट में यहाँ पे इकट्ठा भी हो चुका है, 0.7 BSW टोकन, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे अनस्टेक करना हो, जैसे आप चाहो कि मैंने यहाँ पे किसी भी वक्त आप यहाँ पे अनस्टेक कर सकते हो, माइनस पे क्लिक करोगे, जितना भी करना हो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म करूँगा, उसी प्रकार से फीस जाएगी एक छोटी सी और यहाँ पे मेरा अनस्टेक हो जाएगा। और जो यहाँ पे मैं ओनली ये चाहूँ कि मेरी यहाँ अर्निंग होती रहेगी, मैं उसको निकालते रहूँगा और जो स्टेकिंग पे लगाए उसको रखे रहने दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप हार्वेस्ट पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे एक फीस देनी पड़ेगी और आपका हार्वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? तो बस सिंपल सा यही काम है। और देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी करना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा यहाँ पे अमाउंट लगाओ जो आप किसी परेशानी में अगर पड़ जाते हो तो आप उसको मतलब विड्रॉल भी ना कर सको, ठीक है? जो आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, $20, $30, अच्छा आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ एक बंदे का, जो कि ये एक बंदा था, इन्होंने यहाँ पे देखो $20 के लगाए थे, ठीक है? इन्होंने कहा था मैंने $20 लगाया था, अब क्या करना चाहिए। इन्होंने $20 उस समय लगाए थे और इस समय इनके लगभग लगाए थे इन्होंने यहाँ पे 11.79 BSW टोकन, और इनके अब हो चुके हैं जो अर्निंग हुई है वो ये 6.09 BSW टोकन की, जो कि यहाँ पे $10 के आसपास बनते हैं। तो इन्होंने 20 लगाए थे, $10 ये हो गया, लगभग $30 के अराउंड इनका टोटल हो गया। इन्होंने 20 लगाया और 30 के अराउंड आसपास हो गया, थोड़ा इनका टोकन का प्राइस कम है तो इसलिए इनका यहाँ पे 1800 हो रहा है, बट ये फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट में है। देखो ऐसा नहीं है अगर आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट लगा दिया तो टोकन का प्राइस यहाँ पे अप डाउन होगा, तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा टोकन का प्राइस अप डाउन हो गया तो आप घबरा जाओ और यहाँ पे आप अनस्टेक कर दो। टोकन का प्राइस ये $2.5 भी गया था और लगभग 0.5 सेंट्स भी गया था, ठीक है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो, सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिक का ऑडिट हो चुका है, इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पे प्रेफर किया है। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करके कोई सेफ़ जगह करना चाहते हैं स्टेकिंग से, जहाँ पे आपका अमाउंट भी आपके पास रहे और वहाँ से कुछ ना कुछ आप कमाते रहो, तो ये साइट आपके लिए बेस्ट रहेगी। अभी APY अच्छी है, 738 चल रही है, तो यहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हो। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप कमेंट करना, यहाँ पे आप LP टोकन के थ्रू लिक्विडिटी ऐड करके फार्मिंग भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे वीडियो दे दूंगा। जैसे यहाँ पे कई सारी APY चल रही हैं, ठीक है? तो इनको भी अगर आप करना चाहो तो मुझे बता देना, इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे जो LP टोकन्स होते हैं इनमें अगर एक टोकन का प्राइज अप डाउन होता है तो ज़्यादातर यहाँ पे लॉस के चांसेस रहते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लॉन्च पूल सजेस्ट किया है, ठीक है? तो मे भी शायद आपको समझ में आ गया होगा एंड काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आपके दिमाग में कुछ आया हो समझ में तो करके देख लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।